कोरोना के खौफ के बीच अच्छी खबर, भारत में ठीक हो चुके हैं 135 से ज्यादा मरीज। अब तक 44 लोगों की हो चुकी है मौत। महाराष्ट्र और केरल में सामने आ रहे हैं संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले। देश भर में अब तक 1300 से ज्यादा मामले आ चुके हैं सामने। दिल्ली में धारा 144 लागू के बाद भी धार्मिक जलसे में जुटे 2000 लोग। 24 हुए कोरोना से संक्रमित, 350 भर्ती। निजामुद्दीन में 1 से 15 मार्च के बीच जुटे थे लोग। तमिलनाडु, तेलंगाना और जम्मू कश्मीर में भी मिले संक्रमित। तेलंगाना में हुई 6 लोगों की मौत, FIR के आदेश। तेलंगाना में कोरोना के कारण आए वित्तीय संकट को दूर करने के लिए अधिकारियों और मंत्रियों के वेतन में होगी कटौती। न्यूनतम 10% और अधिकतम 75% तक की जाएगी वेतन में कटौती। कोरोना के मद्देनजर राजस्थान के भीलवाड़ा में प्रशासन सतर्क, 3 से 13 अप्रैल तक लागू किया जाएगा सख्त कर्फ्यू। मीडिया कर्मियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की आवाजाही पर भी रोक। गरीबों को बिना राशन कार्ड के अनाज मुहैया कराने का इंतजाम कर रही है दिल्ली सरकार। अगले 3-4 दिनों में तैयार होगा सिस्टम। केजरीवाल बोले, जिनके पास नहीं है राशन कार्ड, फिलहाल नजदीकी स्कूल या रैन बसेरे में करें भोजन। कोरोना संकट के बीच दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, बिना परीक्षा के ही पास किए जाएंगे 8वीं क्लास तक के छात्र। लॉकडाउन के चलते स्थगित की गई थी परीक्षाएं। कोरोना के मद्देनजर रिपोर्टिंग कर रहे मीडिया कर्मियों के लिए स्वास्थ्य और जीवन बीमा मुहैया कराने की मांग। दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका पर जल्द सुनवाई का आग्रह। हाईकोर्ट रजिस्ट्रार ने कही लॉकडाउन के बाद संज्ञान लेने की बात। मरीजों के लिए रेलवे में 20,000 कोचों को क्वारंटीन वार्ड में बदलने की तैयारी। रेलवे बोर्ड ने जोनल रेलवे के महाप्रबंधकों को लिखी चिट्ठी। शुरुआत में 5,000 कोचों को क्वारंटीन वार्ड में किया जाएगा तब्दील। बरेली में लोगों को सैनिटाइज करने के लिए केमिकल से नहलाने का मामला, DM ने दिए जांच के आदेश। संबंधित अधिकारियों से मांगा गया जवाब। घटना के बाद कई लोगों की बिगड़ी थी तबीयत। DM बोले, दोषी नगर निगम और फायर ब्रिगेड के स्टाफ के खिलाफ होगी कार्रवाई। BJP सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने की आसाराम बापू को जेल से रिहा करने की मांग। आसाराम ने कोरोना के चलते कैदियों के बीच डर लगने की कही थी बात। बीते दिनों पैरोल पर छोड़ने की मांग को लेकर भी की थी भूख हड़ताल। सामने आई टोक्यो ओलंपिक की नई तारीख, अगले साल 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच खेले जाएंगे मुकाबले। 2020 में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके खिलाड़ियों की जगह 2021 में भी पक्की। कोरोना से उबर रहे चीन ने अब अर्थव्यवस्था में झोंकी पूरी ताकत। बैंकिंग सिस्टम में 7 अरब डॉलर की रकम डालने का ऐलान। ब्याज दरों में 5 साल की सबसे बड़ी कटौती। सहयोगी के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने खुद को किया क्वारंटीन। 2 हफ्ते पहले टेस्ट रिपोर्ट आई थी निगेटिव। इजरायल में अब तक सामने आए हैं 4,300 से ज्यादा मामले। नेपाल में बाहर से आए लोगों को क्वारंटीन में रखने की कोशिशें नाकाम होने से सरकार चिंतित। 7 अप्रैल तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, 15 अप्रैल तक हवाई सेवाएं बंद। किम जोंग उन ने उड़ाया कोरोना वायरस का मजाक, सुपर लार्ज मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर का किया सफल परीक्षण। महीने भर के अंदर 4थी बार किया मिसाइल का परीक्षण। वित्त वर्ष में कोई बदलाव नहीं, स्टाम्प शुल्क अधिनियम में संशोधन 1 जुलाई से होंगे लागू। 30 जून तक वित्त वर्ष बढ़ाने की खबरों का किया खंडन। अब फिच ने घटाया भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान। 2020-21 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि के अनुमान को कम कर 4.6% रहने का जताया अनुमान। इंडिया रेटिंग्स के मुताबिक 3.6% रहेगा GDP ग्रोथ। शराब कारोबारी विजय माल्या ने की ट्विटर के जरिए सारा कर्जा लौटाने की पेशकश। कहा, लॉकडाउन के कारण मेरी कंपनियों में बंद पड़ चुका है काम, सरकार को करनी होगी मदद। सरकार ने बढ़ाई ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट और रजिस्ट्रेशन जैसे दस्तावेज की वैधता। 1 फरवरी से बेकार पड़े ड्राइविंग लाइसेंस पर होगा लागू। लॉकडाउन के दौरान जरूरी सामान की ढुलाई को सुचारू बनाना मकसद, 30 जून तक माना जाएगा वैध। और मजदूरों के पलायन ने बढ़ाई डाबर से पार्ले तक की टेंशन। जरूरी सामान बनाने में हो रही है परेशानियां, माल की आवाजाही के लिए ट्रकों की उपलब्धता बनी चुनौती।